अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वह है हरा धनिया की ग्रीन चटनी, गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें। चलो मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। एक कटोरी मैंने इमली ले ली है। इमली को मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसका मैं गूदा निकाल लूँगी। और एक कटोरी खजूरें हैं, इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। इसका मैं पेस्ट बना लूँगी और इससे इसको अच्छे से मसल लूँगी। इमली के बीज अलग कर दूँगी मैं और ये गूदा अलग निकाल लूँगी। इमली के मैंने बीज अलग कर दिए हैं और ये मेरे गूदा है, इसमें मैं इसको मैं छान लूँगी। इमली का पल्प मैंने निकाल लिया है और ये खजूरों का पेस्ट भी बना लिया मैंने। एक चम्मच पिसी हुई मिर्चें हैं, एक चम्मच अदरक का पाउडर है, एक चम्मच जीरा पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर एक चम्मच, नमक के हसबे ज़रूरत और थोड़ा सा हमने जर्दे का रंग ले लिया, ये ऑप्शनल है। चारों मगज़ हैं एक चमचा और आधे से भी कम चमचा हमने कलौंजी लिए और एक कटोरी हमने गुड़ लिया है, इसको हमने कूट लिया है गुड़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पतीले में गुड़ डाल देंगे। जितना हमने एक कटोरी गुड़ लिया है इसका हमने आधा पानी ले लिया है, इसको हमने डाल के और गुड़ को पिघला लेना है और गुड़ को हमें चलाते रहना है ताकि हमारा गुड़ जले ना। इसको अच्छे से पूरा पिघला लेना है गुड़ को। गुड़ हमारा घुल चुका है, अब हम इसमें इमली, जो हमने इमली का पल्प बनाया था वो शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमने खजूरों का पेस्ट बना लिया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे, इसमें जीरा पाउडर, अदरक का पाउडर। इसी भी मिर्ची डाल देंगे इसमें और इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। नमक और जर्दे का रंग ये भी इसमें शामिल कर देंगे। कलौंजी और चारों मगज ये भी इसमें डाल देंगे। कलौंजी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, अगर आप डालें तो डालें वरना ना डालें। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, इसको मैं 2 चम्मच पानी डाल के इसको मैं घोल लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी और चमचा चलाती रहूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। गाढ़ा होने तक हम इसको पका लेंगे। इमली और गुड़ की हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार है। हरी चटनी बनाने के लिए हमने हरा धनिया ले लिया है आधी कटोरी, एक नींबू, 3 जवे लहसुन के और 3 अदद मैंने हरी मिर्च ले ली, इसको मैंने काट लिया है, 6-7 पत्ते मैंने पुदीने, थोड़ा सा मैंने सफ़ेद नमक और थोड़ा सा मैंने काला नमक ले लिया और 1/2 चम्मच जीरा। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी, हरी मिर्ची, जीरा, नमक, काला नमक, ये लहसुन डाल दूंगी और इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल के इसको मैं मिक्सी में पीसूंगी। 2 चम्मच इसमें मैं पानी डाल दूंगी और मैं इसमें ऊपर से नींबू का रस डाल दूंगी और चटनी हम पीस लेंगे। ग्रीन चटनी और इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। कमेंट्स भी करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चलें अब मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे नई रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।